बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे नायाब एक्टर जिन्होंने दो गाड़ी और बाइक पर पैर रख के फिल्म में धांसू एंट्री की। जिनके फिल्मों के गाने आज भी लाखों दिलों की धड़कन है, जो कॉमेडी फिल्मों से लेकर एक्शन और थ्रिलर में बड़ा नाम कमा चुके हैं, वो है वीरू देवगन के बेटे और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन। जी हाँ दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड के अभिनेता अजय देवगन की बात करेंगे। अजय का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके परिवार का बॉलीवुड से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर थे और वो एक एक्शन फिल्म के निर्देशक भी रह चुके हैं। तो वहीं उनकी माँ वीणा फिल्म निर्माता थी। उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक रह चुके हैं। बात करें उनकी स्कूली शिक्षा की, तो अजय देवगन की शुरुआती पढ़ाई सिल्वर बीच स्कूल जुहू से हुई और इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। अजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में दो मोटरसाइकिल पर पैर रखकर उनके द्वारा किया गया स्टंट आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। इस फिल्म में किए गए उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उनकी अगली फिल्म जिगर 1992 में आई थी, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। ये दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने संग्राम, विजयपथ, दिलवाले, सुहाग, नाजायज, दिल जले और इश्क जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की बॉलीवुड ड्रामा जख्म में काम किया और उन्हें फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1999 में उनकी सबसे चर्चित हम दिल दे चुके सनम फिल्म रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने वनराज का किरदार निभाया था। ये एक ऐसा किरदार था जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है और इस फिल्म ने उस समय काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। इंडस्ट्री के कई लोग मानते हैं कि अजय अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर लेते हैं। यही कारण है कि अजय ने कई ऐसी फिल्में दी जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में हैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, रेनकोट, गंगा जल, युवा, अपहरण, ओमकारा, गोलमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राजनीति, सिंघम, सन ऑफ सरदार, बादशाह, शिवाय और रेड आदि हैं। अजय देवगन की शादी मशहूर अभिनेत्री काजोल के साथ हुई। उनके दो बच्चे बेटी न्यासा और युग हैं। अजय और काजोल की जोड़ी पहली बार 1995 में आई फिल्म हलचल में नजर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि इन दोनों में प्यार इस फिल्म से पनपा। इसके बाद 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद काजोल एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन तब तक इस अफेयर को शक्ल नहीं मिल पाई थी। लेकिन 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था की शूटिंग के दौरान इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और शूटिंग पूरी होते होते बिना मोहब्बत का इजहार किए ही दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों ने देर नहीं की और 1999 में बहुत ही सिंपल सी शादी समारोह में महाराष्ट्रीयन तरीके से शादी कर ली। अपने करियर के शुरुआती दौर में अजय देवगन लड़कियों के दिलों पर भी राज किया करते थे और यही वजह थी कि बॉलीवुड की कई टॉप हीरोइन के साथ उनके अफेयर की खबरें हमेशा बनी रही थी। इसमें करिश्मा कपूर और टंडन भी शामिल है, जिनका दिल तोड़कर उन्होंने काजोल से 1999 में शादी कर ली थी। इस बात से रवीना टंडन काफी आहत हुई थी और दुखी होकर तक करने की कोशिश भी कर डाली थी। इसके साथ ही रवीना टंडन उस वक्त भी काफी गुस्से में थी जब उन्हें करिश्मा और अजय के अफेयर का पता चला। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया था कि अजय और करिश्मा के बच्चे जिब्रा जैसे होंगे। काजोल से शादी होने के बाद भी अजय एक बार तब विवादों में आए जब उन्होंने सरेआम काजोल को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल एक बार अबॉर्शन होने के बाद अजय नहीं चाहते थे कि काजोल फिल्मों में डांस करे क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी खुशी कभी गम के गाने में डांस किया। उनका दूसरी बार अबॉर्शन हो गया। जब अजय को ये बात पता चली तो वो फिल्म के सेट पर पहुंचे और गुस्से में सबके सामने काजोल को थप्पड़ जड़ दिया। शादी के बाद एक बार फिल्म के प्रमोशन के दौरान अजय ने अपनी लव स्टोरी में बताया था कि मैं बहुत चुपचाप रहता था। काजोल समझती थी कि मैं घमंडी हूँ। हम दोनों बहुत कम बातें करते थे, लेकिन धीरे से बात शुरू हुई और फिर हम आगे बढ़े। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, पहले हम दोनों दोस्त बने और फिर एहसास हुआ कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत बड़े स्तर पर शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए सब कुछ चुपचाप हुआ। अजय का कंट्रोवर्सी से भी गहरा नाता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर करण जौहर काजोल के अच्छे फ्रेंड लिस्ट में से हैं,
लेकिन अजय देवगन करण जौहर को एक आंख भी पसंद नहीं करते। उन्होंने तो शिवाय के वक्त करण पर अपनी फिल्मों को फ्लॉप कराने की साजिश करने वाला तक कह दिया था। इससे पहले भी करण अजय देवगन के हाथों से पिट चुके हैं। दरअसल एक पार्टी के दौरान करण ने काजोल पर कुछ टिप्पणी की थी। ये बात अजय देवगन के कानों तक भी पहुंची और वो अगले दिन काजोल से मिलने शूटिंग के सेट पर पहुंचे। उस समय काजोल शाहरुख खान के साथ फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग कर रही थी। अजय देवगन को काजोल से मिलने नहीं दिया गया। अजय देवगन अगले दिन फिर से सेट पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें पता चला कि करण जौहर ने सेट पर बाहरी लोगों से मिलने से मना किया है। बस इसके बाद अजय देवगन गुस्से में करण के पास पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर करण का गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, करण जौहर को अजय देवगन ने कई थप्पड़ रसीद कर दिए थे। वेल, अजय देवगन उन एक्टर में से एक है जो सलमान खान से भी पंगा लेने का दम रखते हैं। अब ये बात जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी चलती है, लेकिन हमारे अजय देवगन उनसे भी पंगा ले चुके हैं। जी हाँ, दरअसल विवेक ओबेरॉय और सलमान की दुश्मनी के बारे में तो सब जानते हैं। सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय की वजह से अजय देवगन को फिल्म ओमकारा छोड़ने के लिए कहा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिस पर सलमान भड़क गए और उन्होंने इस बात का अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन अजय ने भी सलमान से कह दिया कि वो जो करना है कर ले, वो उनकी धमकियों से नहीं रहने वाले। विवादों के अलावा अजय देवगन अच्छी दोस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी है। वो उनके साथ कई कॉमेडी और एक्शन फिल्में दे चुके हैं, जिनमें गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, सिंघम और सिंघम रिटर्न्स जैसी फिल्में शामिल हैं। फैंस में भी इन दोनों की फिल्मों को लेकर काफी बज रहता है। दोनों की मूवी के प्रमोशन पर भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अजय देवगन की फिल्मों में किए गए उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अब तक कुल 32 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड शामिल हैं। अभिनय पुरस्कारों के अलावा अजय देवगन ने बॉलीवुड में अचीवमेंट के लिए राजीव गांधी अवार्ड, ETC बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड में 2010 के सबसे लाभदायक सेलिब्रिटी, जरसत अवार्ड, NDTV एक्टर ऑफ द ईयर और पद्मश्री अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते हैं।